हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल है जया एकादशी। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। कल भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, यदि हम जया एकादशी वाले दिन कुछ खास उपाय करते हैं तो हमारे ऊपर से सभी तरह की परेशानियां खत्म हो जाती हैं एवं माता लक्ष्मी हमें धन धान्य से भर देती हैं। एकादशी की पूजा और कथा का पाठ करने के बाद ब्राह्मणों को इस दिन और गरीबों को इस दिन दान दिया जाता है। यदि हो सके तो आप इस दिन ब्राह्मण एवं गरीब लोगों को आप दान जरूर दें। दोस्तों, रात्रि में आप दीप दान करने की परंपरा चली आ रही है, इसलिए आप रात्रि को एकादशी वाले दिन दीप जरूर जलाएं और भजन कीर्तन करें, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी की महत्वता को माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जया एकादशी को पुण्यदायी एकादशी भी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन करने वाले लोगों को भूत पिशाच आदि से भी छुटकारा मिल जाता है। जिन लोगों पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है उनके लिए माह की ये एकादशी बहुत ही लाभकारी होती है। एकादशी के दिन आप प्रातः उठकर व्रत करने वाले लोगों को स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन निर्जला व्रत रखने की भी मान्यता है। माना जाता है कि इस दिन के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। दाल चावल आदि का सेवन एकादशी के किसी भी व्रत में करना मना होता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन शुभ नहीं माना जाता। एकादशी का व्रत 100 एकादशी के व्रत के समान। इस दिन व्रत कथा का पाठ करने के बाद ही व्रत सफल होता है। एकादशी की पूजा और कथा का पाठ करने के बाद आप ब्राह्मणों और गरीबों एवं अन्य जरूरतमंदों को दान जरूर दीजिए। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसमें ऐसे उपाय लेकर आते हैं जिससे आपके अंदर एक अलग ही तरह की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, जिसे आप पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। यदि आप यह सारे उपाय सच्ची श्रद्धा एवं मन से करते हैं तो ये जरूर सफल होते हैं। आज हम एक ऐसा ही उपाय लेकर आए हैं। यदि आप यह उपाय कर लेंगे तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी और आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह इस एकादशी के व्रत से दूर हो जाती हैं एवं इसकी पूजा जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु को आप विशेष पकवान का भोग जरूर बनाएं। रात्रि में दीप दान जरूर करें। एकादशी की रात को जाकर यदि हो सके तो भजन जरूर करना चाहिए। इस वर्ष जो जया एकादशी है वह 27 जनवरी 2018 को है। एकादशी की तिथि 27 जनवरी के दिन सुबह 11:14 से शुरू हो रही है और तिथि समापन 28 जनवरी को सुबह 8:27 पर खत्म होगी। इस दिन ये उपाय करेंगे तो आपकी किस्मत जरूर चमक जाएगी। इस दिन किए गए उपायों से भाग्य दोष दूर होता है और भगवान विष्णु के साथ ही देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए हम जया एकादशी का उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले एक पीपल का पत्ता लेना होगा। दोस्तों, पीपल का पत्ता लेने के बाद आपको अपने मंदिर के पास बैठ जाना है। आपको अपने मंदिर के पास बैठने के बाद उस पत्ते पर आप दूध और केसर से बनी मिठाई रखें। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि पीपल के पत्ते के ऊपर आप दूध से बनी मिठाई, यदि हो सके तो केसर जरूर डालें। आप इससे बनी हुई मिठाई उस पीपल के पत्ते पर रखें। उसके बाद आप उस
पीपल के पत्ते को वहीं भगवान के चरणों में रख दें। आप यदि हो सके तो विष्णु और लक्ष्मी जी का चित्र सामने जरूर रखें। उसके बाद आप दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी से अपनी सभी इच्छाएं बोल दें एवं जो भी परेशानियां हैं वह सभी इस पीपल के पत्ते से आपको बोल देनी है। उसके बाद आपको इस पत्ते को एवं मिठाई को वहीं पर रखने के बाद आपको इस मिठाई का भोग अपने परिवार वालों को बांट देना है। जब आपकी पूजा समापन हो जाए उसके बाद ही आप इस पत्ते को एवं मिठाई को उठाएं। जब आप एकादशी की पूजा समाप्त कर लें उसके बाद आप इस मिठाई को अपने परिवार वालों में बांट दें और वह जो पीपल का पत्ता है उस पत्ते को आप अपने माथे से लगाकर आप अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख आप देखेंगे कि आपकी पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने लगेंगी। कुछ ही दिनों में आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप इस उपाय को कल के दिन जरूर करें। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।